दोस्तों नमस्कार। सभी माताओं भाई बहनों को मेरा प्यार भरा राम राम, यानी कि सुनीता का। तो आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं भी स्वस्थ हूँ। और हमारा ब्लॉग कल जो है जहाँ से एंड हुई थी बिल्कुल वहीं से शुरुआत हुई है। तो कल आप लोगों ने देखा जो कि हम लोग कहीं जा रहे थे फ्रेंड्स, लेकिन आप लोगों को पूरा जो है मैं नहीं दिखा पाई थी। तो बिल्कुल वहीं आ करके जो है मैं यहाँ ब्लॉग जो बनाई थी बिल्कुल वहीं से शुरू हो रही है आज की हमारा ब्लॉग। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से है। और हम लोग आ गए हैं फ्रेंड्स यहाँ पर कटहल पेड़ के पास, जो कि हम लोग तोड़ने के लिए आए हुए हैं इसको। तो फ्रेंड्स, दीदी के गांव में ही है और दीदी लोगों का ही कटहल पेड़ है, तो उसी को तोड़ने को आ गए थे। तो ज़्यादा नहीं बचे थे, बस इतना ही बचे थे। तो बाबू बोल रहा था किसको तोड़ू मासी जी, किसको छोड़ दूँ ऐसे करके फ्रेंड्स। तो उसको तोड़ने को कह रही हूँ। इधर का थोड़ा सा बोलना चाहिए, वो छोटा वाला है, वो मतलब सड़ गया है, दागी लग गया है, तो अंदर का सड़ गया होगा आधा, इसीलिए बड़ा वाला को ही काट रहा है बाबू। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स किस तरीके से उसको जो है काटने के लिए वो दे रहे हैं। देखिए हमारे गांव घरों में फ्रेंड्स, गांव देहात में बिल्कुल इसी तरीके से फ्रेंड्स कुछ कुछ से काटा जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों को बिल्कुल मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो अभी जो है ना वो भी चढ़ गई है, हमारी दीदी की जो बेटी है वो फ्रेंड्स। तो हमारी दीदी का जब तबीयत खराब है फ्रेंड्स, तो सारा काम ना घर का सारा चीज जो है यही संभालती है फ्रेंड्स। जो बड़ी लड़की अभी चढ़ी हुई है जो काट रही है, यही घर का सारा काम करती है फ्रेंड्स। दिखने में छोटी दिखती है लेकिन बड़ी है, हो गया है 15-16 साल, लेकिन जो है बहुत दुबली पतली है ना, इसलिए छोटी दिखती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग जो है ना वो कटहल तोड़ने के लिए आए थे हम लोग घर ले जाने के लिए। तो आप लोगों से मैं एक बात बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, हमारी दीदी का जो है ना क्या बोलते हैं पेट जो है वो दर्द नहीं होता है। आज जो है यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि उनका जो है क्या बोलते हैं छाती बोला जाता है ना, पेट से ऊपर, तो उधर जो है अंदर दर्द करता है फ्रेंड्स। जिधर हम लोगों का क्या बोलते हैं कलेजा फेफड़ा क्या बोलते हैं किडनी वगैरह रहता है, तो उधर साइड का दर्द होता है। तो फ्रेंड्स इलाज तो करवाए हैं, तो बोले कि छाला पड़ गया है डॉक्टर ऐसे, तो दवाई भी दिए हैं फ्रेंड्स, और दवाई भी खा रही है और गर्म पानी पिएगी तो छाला जो है वो खत्म हो जाएगा ऐसे बोल रहे थे डॉक्टर जी। तो हमारी दीदी बिल्कुल वैसे ही दवा खा रही है। तो उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग घर पे आ गए थे कटहल लेकर के। और यहाँ पर देखिए जो कि तोता है फ्रेंड्स, और हमारी छोटी जो है ना तोता को चिप्स खिला रही थी। तो देख सकते हैं यहाँ पर हम तोता जो है बहुत ही अच्छे से खा रही थी, पता नहीं लड़का है लड़की है नहीं पता, लेकिन खा बहुत अच्छे से रही थी। और हमारी छोटी उसको ना खिलाने में बहुत ही आनंद ले रही थी, क्योंकि हमारे घर पे है नहीं, तो पहली बार किसी भी चीज़ को देखने से, बहुत दिनों से देखने से अच्छा ही लगता है। उसके बाद में इधर देखिए फ्रेंड्स, और पिंजरे में इसमें जो है दूसरा पक्षी जो है वो है कबूतर। तो कबूतर भी पाले हुए हैं, लेकिन जो है ना ये बच्चा है कबूतर, तो कभी कभी कबूतर भी भाग जाते हैं, इसीलिए इसको ना इसमें ढक करके रखे हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा फिर इसको छोड़ देंगे। तो ये बच्चा है, अभी उतना बड़ा नहीं हुआ है। बहुत ही प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा आप लोग। उसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग ना शाम को घर आ गए थे फ्रेंड्स, जो कि आप लोगों को हम लोग रास्ता का भी नज़ारा नहीं दिखा पाए फ्रेंड्स। तो दीदी के घर से मैं क्या क्या लेकर के आई हूँ आप लोगों को उसी को दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पर ना मैं ओरिजिनल वॉइस डाली थी, लेकिन जो है बहुत कम आया था, इसलिए ओरिजिनल वॉइस को मैं म्यूट कर दी। तो देखिए यहाँ पर सेफ्टी के लिए मैं प्रोथिंग को लगा दी थी, क्योंकि उधर से गद निकलता है उसका लट, इसीलिए। तो देखिए हम लोग कटहल लेकर के आए हैं, और हमारी दीदी जो है ना वो और भी दिए हैं, और इसको हम लोग रास्ते से लेकर के आए हैं छोटी के पापा जी। और काम करने के लिए अभी शुरू करूंगा ऐसे बोल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि खेती बाड़ी का दिन भी पहुंच रहा है, तो हल भी जो तुआना है, इसीलिए पैसा तो कमाना बहुत जरूरी है, इसीलिए काम करने को जाएंगे ऐसे बोले। तो लेकर के आए हुए हैं इसको करनी और साहुल, तो धागा घर पे है इसलिए नहीं लेकर के आए। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर और क्या दिए हैं हमारे लिए, यह है फ्रेंड्स अरहर का दाल। तो इसको ना हम लोग
बुनाई करने के लिए लाए हुए हैं और इसको बुनाई करने के लिए ही दिए हुए हैं, खाने के लिए नहीं दिए हैं। तो इस वर्ष बारिश में हम लोग इसको बुनाई करेंगे। और ये रहा देखिए इधर क्लोथिंग पे और भी दिए हुए हैं फ्रेंड्स, तो इसको भी आप लोगों को दिखाती हूँ फ्रेंड्स कि इसमें क्या चीज है। तो ये रहा देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो है ना ये रहा दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, इसमें जो है वो उड़द दाल है फ्रेंड्स, जो कि देख सकते हैं आप लोग इस तरीके से दिखाई दे रहा है बिल्कुल काला काला उड़द दाल। तो अच्छे से इसको नहीं निखारा गया है, जब भी हम लोग बनाएंगे तब अच्छे से इसको ना मिट्टी सबको निकाल लूंगी, उसके बाद में ही पकाऊंगी। तो फ्रेंड्स मैं ना वहाँ का इसलिए नहीं दिखाई दीदी के घर का क्योंकि थोड़ा सा वहाँ का सिचुएशन ठीक नहीं था, इसीलिए नहीं दिखाई हमारी दीदी को। और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स कि हमारी दीदी के लिए जो है ना आप लोग भगवान से प्रेयर कर दीजिएगा कि वो जल्दी से स्वस्थ हो जाए फ्रेंड्स, क्योंकि सोए रहती है पूरे दिन, उसकी बेटी ही काम करती है बड़ी वाली फ्रेंड्स, नहीं सकती है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है ऐसे बोलती है फ्रेंड्स। तो आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप लोग विनती कर दीजिएगा। उसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, वो देखिए क्या बोलते हैं, चंद्रमा दिख रहा है ऊपर में छोटा सा, और हो गई है सुबह, प्यारी सी सुबह की शुरुआत आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और देखिए बाहर सो रहे हैं सब लोग, और उसके पापा जी उठ चुके हैं, हम भी उठ गए थे, और इस टाइम पे ना बिल्कुल 5 बज रहे थे फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहे थे, घर पे लाइट नहीं था, तो हम लोग ना आज आंगन में ही सोए हुए थे आधे रात में निकल करके, और बच्चे लोग जो है सो ही रहे थे। और इस आसपास का नज़ारा देखिए जब सुबह सुबह में कैसे दिखाई देती है, बिल्कुल अंधकार अंधकार जैसा, बिल्कुल सुबह सुबह था, थोड़ा भी मतलब उजाला नहीं हुए थे, बस थोड़ा थोड़ा, क्योंकि जो ऊपर चंद्रमा है वो भी नहीं घुसे हुए थे ठीक से। तो मैं सोची आप लोगों को थोड़ी सी दिखा देती हूँ, और मैं भी जैसे उठी हूँ बिल्कुल वैसे ही हूँ, एकदम मतलब क्या बोल दें, पूरा बाल सब बिखरा पड़ा है। उसके बाद में फ्रेंड्स कुछ देर बाद जो है ना चेहरा सब धोने के बाद थोड़ा सा बाल वगैरह बना ली मैं, फिर यहाँ पास आ गई थी पुताई करने चूल्हे की फ्रेंड्स, क्योंकि सुबह में आग जलाना होता है हम लोगों को। तो मैं जो है अपने चिकनी मिट्टी से चूल्हे की पुताई करना जो है शुरू कर दी हूँ फ्रेंड्स। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से पुताई कर दे रही हूँ। हमारी दीदी को जब से देख करके आई हूँ फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें भी अच्छा नहीं लग रहा है कि कैसे वैसे दर्द कर सकता है, समझ में नहीं आ रहा है। जीजा के पास बात की थी तब बोले थे कि पेट दर्द होता है, लेकिन वहाँ जाने के बाद ही पता चला कि पेट नहीं बल्कि ऊपर साइड का दर्द करता है, जो कि वहाँ का ना तो कोई मालिश कर सकता है और ना ही कुछ, क्योंकि अंदर का जिधर हमारा क्या बोलते हैं किडनी वगैरह रहता है उधर साइड पे, तो उधर का बनता ही नहीं है। तो वैसे तो दवाई चल रहा है फ्रेंड्स, पर पता नहीं कब तक ठीक होती है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से पुताई कर रही हूँ, और आप लोग जरूर ही विनती कर दीजिएगा हमारी दीदी के लिए, क्योंकि कभी कभी ना भगवान भी बहुत जल्दी सुन लेते हैं किसी का बात और जल्दी ही स्वस्थ हो जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमारा जो है बिस्तर भी नहीं उठा हुआ है, एक बिस्तर उठ चुका है, एक बिस्तर बाकी रह गया है, तो हम लोग सोए हुए थे उस साइड का मतलब उठा दिए, एक ही जगह पे था, और बच्चे लोग जिस तरफ सोए हुए थे वो मतलब बाकी ही रह गया है, तो उसको जो है उठाऊंगी अभी मैं। तो सबसे पहले इनको कपड़े पहना लेती हूँ, क्योंकि दोनों के दोनों ना कपड़े खोल करके सोए हुए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था फ्रेंड्स, तो ऐसे में कपड़ा जो है ना बिल्कुल शरीर में ना ही रहे तो अच्छा ऐसे लगता है गर्म की वजह से, तो इसीलिए दोनों निकाल देते हैं और ऐसे ही सो जाते हैं फ्रेंड्स। तो इनको भी मैं कपड़ा पहना दी हूँ, और अच्छे से इसको अभी मोड़ मोड़ करके घुसा देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आंगन सब भी झाड़ू लगाना है हमें। तो आग तो हमारा जल चुका है चूल्हा लिपाई करके, उसके बाद में यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगाना है, घर का भी बाकी रह गया है झाड़ू लगाने के लिए। तो अभी जो है मैं आंगन की झाड़ू लगा रही हूँ फ्रेंड्स, तो देख सकते हैं आप लोग
सुबह सुबह, और उनके पापा जी बहुत जल्दी उठे हुए थे तो गए हुए थे टहलने के लिए और टहल करके आ गए, और अभी भी ना सूर्य बिल्कुल भी नहीं निकला हुआ था फ्रेंड्स, जरा सा भी नहीं निकले हुए थे। और बच्चे लोग आज जो है ना बाहर सोए थे तो अच्छे से सोए, तो जल्दी ही उनका नींद भी खुल गया तो वो लोग भी उठ गए। और जो है कल गए हुए थे उधर, तो उधर से मिठाई सब लेकर के आए थे, रास्ते पे खरीदे थे, तो वही सब बचा हुआ था उसको खाए सुबह सुबह। उसके बाद में उसमें जो है ना गुब्बारा फंसा हुआ था, तो उसी को खेलने में लगे हुए थे दोनों बहन, मस्ती कर रहे थे फ्रेंड्स गुब्बारे से। और देखिए हमारा लिप जो है झाड़ू भी कंप्लीट हो चुका है आंगन की, बरंदे की रह गई है फ्रेंड्स। तो इधर वाला बरंदा जो है उसको मैं झाड़ू लगा चुकी थी जब चूल्हे की पुताई करने वाली थी, उसी टाइम पे मैं लगा चुकी थी उस पार का, क्योंकि उस पार पे हमारा चूल्हा पड़ जाता है। तो यहाँ पास फिर से हमारी छोटी जो है वो गुब्बारा फुलवाने लगी थी, लेकिन जो है गुब्बारा ऐसा फूटा अचानक, देखिएगा आप लोग कि हमारी छोटी जो है वो रोने लगी थी, देखिए फूट गया, फुलाते फुलाते ही फूट गया और रोने लगी थी फ्रेंड्स हमारी छोटी। उसके बाद में ना हम लोग खाना वगैरह बनाए, और खाने पीने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों से एक ही बार मिल रही हूँ। तो जो अगले ब्लॉग में आप लोगों को देखने को मिला था कि मैं जो है चिकनी मिट्टी से पुताई की थी, तो चिकनी मिट्टी से पुताई करने के बाद जो है यहाँ पर मैं सफ़ेद मिट्टी जो कि चूही मिट्टी से पुताई करने में लगी हुई हूँ फ्रेंड्स यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहे थे हमें भी, बिल्कुल मेरा घर जो है ना पूरा ख़राब लग रहा था यहाँ पर का। और हमारे छोटी के पापा जी भी बोलने लगे कि घुसते निकलते जब यहाँ का लिपाई था तब बहुत ही अच्छा लगता था, और थोड़ी सी क्या बोलते हैं, देखते हैं अच्छा चीज़ तो थोड़ा सा चेहरे पर भी निखार आ जाती है, ऐसे टाइप से थोड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन जो है अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे बोलने लगे थे। इस मिट्टी से मतलब हम लोग जो है पुताई किए थे, तो बोल रहे थे दिखने में तो अच्छा लग रहा है लेकिन जो है इसको सफ़ेद कर दो ऐसे करके, तो हम भी सोचे कर देते हैं। उसके बाद में सफ़ेद मिट्टी से लिपाई करने लगी थी, लेकिन जो है आप लोगों को सफ़ेद मिट्टी फुलाई थी उसको नहीं दिखाई, मैं भिंगोई थी उसको। तो आज जो है फ्रेंड्स मैं ना लिपाई कर रही थी, तो हमारी जो है बड़ी लड़की वो थक जाती है फ्रेंड्स, इसीलिए आज मैं श्यामपति को कही थी कि आइएगा हमारे घर पे, तो आई हुई थी फ्रेंड्स। और आज जो है ना हमारा हेल्प वही कर रही है जो कि लिपाई करने में, वो क्या बोलते हैं पोतनी को देने में, तो वही जो है दे रही है और मैं लिपाई कर रही हूँ इधर, और उसको कही लिपाई करने के लिए ऊपर का, लेकिन वो बोली फ्रेंड्स कि मैं यहाँ मम्मी के घर पे कपड़ा लेकर के नहीं आई हुई हूँ, क्योंकि वापस जाना है मुझे वहीं, तो गंदा हो जाऊँगी ऐसे बोली। तो मैं बोली कि बस पोतनी बस दे दो हमें, तुम गंदा नहीं होगी ऐसे बोली, तो मतलब हमारी हेल्प जो है वो कर रही है फ्रेंड्स। लेकिन ना यहाँ पर ना मैं लिपाई करते करते बहुत ज़्यादा थक गई थी फ्रेंड्स, क्योंकि क्या बोलते हैं 4 मंथ के बाद जो है सीढ़ियाँ चढ़ करके लिपाई कर रही थी, जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था तब से सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी थी मैं, तो थोड़ी सी हमें डर भी लग रहे थे, अब तो नहीं लगता है डर, लेकिन थोड़ी सी थकावट सा लगा था, और बहुत ज़्यादा गर्मी थे तो बहुत ज़्यादा गर्मी भी लग रहे थे फ्रेंड्स। तो आज की ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा फ्रेंड्स आप लोग ज़रूर बताइएगा। और एक फ्रेंड्स हमें बोल रहे थे कि आप लोग सिर्फ चावल और दाल खाते हो, रोटी क्यों नहीं खाते हो। हमारी फ्रेंड्स उतनी आदत नहीं कि हम रोटी खाएं, शुरुआत से ही चावल दाल खाते आ रहे हैं, इसीलिए जो है वही पकता है। कभी कभी बनाते हैं जब आटा ले आते हैं तब बना करके खाया करते हम लोग भी, लेकिन उतना आदत जो है हम लोगों का नहीं है रोटी खाने का, इसीलिए आप लोगों तक जो भी नहीं जो खाते हैं वही दिखाते हैं, और जो नहीं खाते हमेशा उसको नहीं शेयर करते हैं फ्रेंड्स। तो खाते हैं ऐसी बात नहीं है रोटी भी, लेकिन बहुत कम खाते हैं, ज़्यादा चावल दाल ही खाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो ज़्यादा चावल की ही मतलब धान की ही खेती किए करते हैं सबसे ज़्यादा, तो सबके घरों में होता है धान पर्याप्त, तो फिर उसी को खाते हैं, और रोटी खाने की आदत नहीं, कभी कभी खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ऊपर ऊपर का वहाँ से लेकर के पूरा दरवाजे तक उतार ली हूँ, और दरवाजे साइड का भी मैं जो है उतार ले रही हूँ, और इसके रहते तक जो है पूरा ऊपर ऊपर का
उतारूंगी सोच रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये भी कह रही है कि जाऊंगी घर पे, उसकी मम्मी जो है वो बुलाई हुई है, अचार बनाना है बोल रही है आम का, तो फिर मैं भी इसको रख नहीं सकती ज़्यादा देर तक, तो जितना हो सकता है उतना तक पुताई करेंगे, फिर जाएगी तो फिर मैं अकेले करूँगी फ्रेंड्स, और अकेले करना ही पड़ेगा मेरे को, क्योंकि हर समय मतलब कोई साथ नहीं देता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से जो है हमारा लिपाई हो रही है, जब सूख जाएगी तब बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन कच्चा में जितना अच्छा नहीं लगता उतना सूख जाने के बाद ही अच्छा लगता है सफ़ेद मिट्टी, क्योंकि कच्चा में तो पूरा जो है क्या बोलते हैं काला ही दिखता है, अच्छा नहीं दिखता है, जब सूख जाता है तब बहुत ही अच्छा लगता है। और पता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा है इसका जो है ना सोंधी सोंधी महक आ रही थी, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आज ना फ्रेंड्स, इसी ब्लॉग के साथ जो है हमारा वीडियो भी समाप्त होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग हो गए थे फ्रेंड्स, तो मैं पूरा का पूरा लिपाई जो है ऐड नहीं की हूँ, तो अगला जो लिपाई की हूँ ना वो अगले ब्लॉग में आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाते हैं और बहुत से फ्रेंड्स को देखना पसंद नहीं लॉन्ग वीडियो, तो मैं सबके लिए बराबर ही लेकर के आऊँगी फ्रेंड्स, क्योंकि सभी लोग एक जैसा देखना भी पसंद नहीं करते हैं। तो देखिए इस तरीके से पुताई कर दे रही हूँ, और आप सभी को दिल से शुक्रिया फ्रेंड्स, हमें इतनी बेशकीमती समय निकाल करके हमारा वीडियोस देखने के लिए और हमें अपना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। तो आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा फ्रेंड्स, हमें बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के बीच में रहना। तो आज का ब्लॉग जो है यहीं तक रहेगा फ्रेंड्स।